आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन. द पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 दे रखा है. एक हमारे को इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8. दूसरी इक्वेशन क्या देखिए 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 5. दो इक्वेशन देखिए. अब हमें बताना है क्या है. वन सॉल्यूशन है. वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन. टू सॉल्यूशन मीन x और y की वैल्यू दो दो आ रही है. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मीन बहुत सारे आंसर हैं इसके. डी है ही नहीं सॉल्यूशन ही नहीं. कभी मुलाकात नहीं करते. ये रोज मुलाकात करते हैं. ये दो बारी मुलाकात करते हैं और ये एक बारी मुलाकात करते हैं. मतलब ये जो दो इक्वेशन है वो एक बारी मुलाकात करती है. मींस एक बारी मुलाकात करके अपनी सॉल्यूशन निकाल देती है. प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है. ये दो मुलाकात में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. ये हमेशा मुलाकात करते रहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाते रहते हैं और ये कभी इनकी मुलाकात ही नहीं होती. नो सॉल्यूशन. अब देखते हैं इसमें ये इक्वेशन क्या करते हैं. मुलाकात करते हैं, कितनी बारी करते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती. तो हमारे पास क्या है, कंडीशन निकालेंगे. पहले क्या निकालेंगे, कंडीशन. हमारे पास A1 क्या है. A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 3, B1 C1, A2 B2 C2, A2 इज इक्वल टू -15, B1 इज इक्वल टू -15, B2 इज इक्वल टू -9, C1 इज इक्वल टू 8 और C2 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 5. और इसके क्या कर देंगे, इधर जाके किसका जगह है, माइनस का. तो -8 ये प्लस का है, इधर जाके किसका जगह है, माइनस का. क्यों? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0. ये प्लस है इधर जाके माइनस, ये प्लस है इधर जाके माइनस. अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 कितना मेरे पास, माइनस a1 5 अपॉन में 3. b1 अपॉन b2 वो मेरे पास क्या है, -15 अपॉन में -9. दोनों को कट करो, माइनस माइनस, 3 3 9, 3 5 15, कितना आ गया, 15 अपॉन में 3. अब क्या लिखेंगे, c1 अपॉन c2, c1 कितना है, -8 अपॉन -24 अपॉन में 5. अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, 5 आ गया. अब इसे कट कर देंगे, कट कर दीजिए, माइनस से माइनस कट, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 24 हो गया. तो क्या बचा, 5 अपॉन में 3. ये क्या बचा, 5 अपॉन में 3. ये क्या बचा, 5 अपॉन में 3. तीनों बराबर हैं. तो तीनों बराबर है तो क्या करें फिर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर तीनों बराबर हो तो क्या होता है, इसका मतलब तीनों बराबर हैं तो क्या है, इसका मतलब 5 अपॉन में ये अपॉन में तीनों बराबर हैं. इसका मतलब तीनों की समस्याएं सॉल्व हो जा रही हैं. और कब है इसका मतलब, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी, ऑप्शन इज सी, ये आंसर है इसका. चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. चलिए, द सम ऑफ द 2 डिजिट. अगर ये एमसीक्यू में आता है, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे. पहले डायरेक्ट करेंगे, देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सम ऑफ 2 डिजिट इज 9. अगर 27 जोड़ते हैं तो क्या होता है, डिजिट डिवाइड होते हैं, दोनों का सम 7, ये नहीं है, दोनों का सम 72. 72 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 99. तो रिवर्स नहीं हो रहा, ये भी गलत है. 63 में 27 जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, रिवर्स नहीं है, ये भी गलत है. तो आंसर कौन सा है इसका, डी आंसर है. लेकिन अब इसको आया कैसे, डी आया कैसे, अब इसे चेक करेंगे आया कैसे. देखिए ध्यान से, आया कैसे, अब ये ही तो बताना है आया कैसे. चलो जी करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ 2 डिजिट, इसका मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है. तो इसका मतलब 2 डिजिट मतलब एक वंस पर और एक टेंस पर. एक डिजिट कहां पर है, वंस पर. एक डिजिट कहां पर है, टेंस पर. वंस वाले को क्या ले लिया, एक्स, और टेंस वाले को वाई.
तो मेरे पास टू डिजिट नंबर क्या बन गया, वाई एक्स बन गया, क्या बन गया वाई एक्स। तो क्या करेंगे पहले लेट, लेट क्या कर लिया डिजिट एट, डिजिट एट कहां पर वंस प्लेस, वंस प्लेस में लेंगे, वंस प्लेस में क्या है मेरे पास एक्स, डिजिट एट कहां पर डिजिट एट टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस में क्या ले लेंगे वाई ले लिया। तो नंबर क्या आ गया वाई एक्स आ गया, तो नंबर इज इक्वल टू, लेकिन हमारे पास नंबर क्या है नंबर वन, इसका मतलब वंस पर क्या है वन इंटू एक्स, फिर क्या है ये मेरे पास क्या है टेन इंटू वाई, दोनों को क्या कर देते हैं प्लस, तो क्या आएगा हमारे पास टेन वाई प्लस में एक्स, तो नंबर आ गया हमारे पास टेन वाई प्लस एक्स। अब ये क्या कह रहा है 27, अगर उसमें 27 जोड़ देते हैं तो नंबर क्या होता है रिवर्स। तो इसमें जब भी टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आए, कभी भी टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आए, तो आप ये चार पॉइंट लिख लेना, कौन कौन से डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट टेंथ प्लेस, और डिजिट नंबर, और नंबर ऑन रिवर्सिंग, नंबर नंबर किस पर ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स द ऑर्डर, जब ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा इंटरचेंज हो जाएगा, इसका मतलब वाई की जगह एक्स, इसका मतलब टेंस और ये वंस, यहां पर वाई और यहां पर एक्स, तो क्या आ जाएगा वन इंटू वाई प्लस में टेन इंटू एक्स, देखो टेन है टेन इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा टेन एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब क्या करें जी, अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चेक करते हैं सम ऑफ टू डिजिट, अब ये मेरे पास एक्स और ये मेरे पास वाई, ये एक्स और वाई क्या है डिजिट है, क्या है ये डिजिट, तो इन डिजिट का सम मींस एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना है नाइन, ये मेरी कौन सी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आंसर तो हमारे पास पहले से ही आ गया, आंसर तो हमारे पास पहले से ही आ गया, क्या आ गया 36, दो डिजिट का सम, डिजिट कौन सा है एक एक्स और एक वाई, मेरे पास डिजिट कौन से हैं एक एक्स और एक वाई, दो डिजिट का सम 9 आ गया। अब उसने क्या कहा 27 एडेड टू इट, इट मींस नंबर, इट मींस नंबर, और नंबर क्या है मेरे पास 10y प्लस एक्स, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, इसका मतलब अगर हमने 27 जोड़ दिया किसमें नंबर में, 27 ऐड कर दिया किसमें नंबर में, तो नंबर क्या हो गया रिवर्स, नंबर नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्स, नंबर ऑब्टेन इन किसमें रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में मिल गया हमारे को। तो हमारे पास क्या आ गया 27 जोड़ दिया किसमें, नंबर क्या था मेरे पास 10y प्लस एक्स, और नंबर क्या हो गया रिवर्स हो गया, रिवर्स मीन 10x प्लस y आ गया। तो अब क्या करें सारे इधर ले आओ, तो क्या आएगा हमारे पास ये प्लस का है इधर जाके माइनस, ये प्लस का है इधर जाके माइनस, ये इधर भेज दो आपकी मर्जी। तो 27 इज इक्वल टू ये 10x प्लस y, ये प्लस है इधर जाके माइनस 10y, और ये x प्लस इधर जाके माइनस, 27 इज इक्वल टू 10x में से x गया 9x, और y में से 10y गया 9y, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, 9 क्या आ गया कॉमन आ गया, x माइनस y किसके बराबर 27 के बराबर, 9 मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो गया, x माइनस y इज इक्वल टू 27 अपॉन में 9 कितना आ गया 3 आ गया, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कर देंगे सॉल्व, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको, हमारे पास क्या है पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये y से y कट, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12,
एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, कितना आ गया 6, एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, एक्स कितना आ गया 6 आ गया। अब इस एक्स की वैल्यू किसे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स की जगह 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, वाई कितना आ गया 3, एक्स कितना आ गया 6, तो नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या था हमारे पास वाई एक्स, वाई एक्स और वाई की जगह क्या रख देंगे 3, एक्स की जगह 6, तो नंबर क्या आ गया 36, तो आंसर इज डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सॉल्यूशन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है इज कंसिस्टेंट, हमारे को पता है कि कंसिस्टेंट, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट कब, जब क्या होता है कॉन्साइड, क्या होता है कॉन्साइड मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कॉन्सिडेंट होगा फर्स्ट कंडीशन की, दूसरी कंडीशन ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये क्या होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है हमेशा कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है कंसिस्टेंट। लेकिन दूसरा क्या होता है हमारे पास ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तीसरा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये क्या होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल पैरेलल, नो ये पैरेलल इज रॉन्ग, ऑलवेज कॉन्सिडेंस नहीं, हमेशा कॉन्सिडेंट नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंस की दो कंडीशन है, एक क्या है यूनिक सॉल्यूशन और एक क्या है कॉन्सिडेंट, इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्सिडेंट, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन क्या करता है इंटरसेक्ट भी करता है, क्या करता है इंटरसेक्ट, तो आंसर क्या है इसका सी आंसर है। तो ए पहला और दूसरा हमारा क्या है कंसिस्टेंट, तो इसके हिसाब से पहला और दूसरा क्या है कंसिस्टेंट में क्या आएगा इंटरसेक्ट करेंगे और मैनी सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। अब करते हैं फोर्थ सॉल्यूशन, हमारे पास y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 7 है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक y बराबर है 0 के और एक y बराबर है 7 के, अब इसे देखते हैं ये हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, x x डैश ये क्या है y y डैश 0 ये रहा मींस पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगा x y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया ये आ गया y इज इक्वल टू 0 मींस पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाली लाइन आ गई। दूसरा 1 2 3 4 5 1 7 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 ये आ गया माइनस 7 y इज इक्वल टू माइनस 7 ये रहा y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है और y इज इक्वल टू माइनस 7 ये है, तो इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस 7 और y इज इक्वल टू 0 दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होती है व्हेन लाइन आर पैरेलल, जब लाइंस आर व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या है पैरेलल है, तो क्या आएगा ये नो सॉल्यूशन, आंसर क्या आएगा इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है, तो आंसर इज डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 पर, आंसर 5, पेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी, ग्राफिकली अगर हम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया, जैसे मान लो ये आ गया, ये आ गया, दो लाइनें हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया x इज इक्वल टू ए, यहां से यहां तक क्या है a है और यहां से यहां तक क्या है ये y, और y कितना हमारे पास b,
दिस इज एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये आ गया। अब जब इंटरसेक्ट करते हैं तो पहले कोऑर्डिनेट किसके लिखते हैं, एक्स के, तो एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, ए, और वाई के कोऑर्डिनेट बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए कॉमा बी, तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग एट बी ए, बी मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, ए मतलब वैल्यू ऑफ वाई, जबकि यहां पर ए क्या, एक्स की वैल्यू क्या रखे ए, तो ये भी नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आंसर है, इसका डी आंसर है, इसका आंसर क्या है डी, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी, ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में एक्स और वाई की वैल्यू, इसका आंसर क्या है डी है, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर द वैल्यू ऑफ सी फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन देखे हैं, सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, दूसरा क्या देखा है, सिक्स एक्स माइनस वाई टू वाई इज इक्वल टू थ्री, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब निकालनी क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब मेरे पास ये पहली इक्वेशन है, तो a1 क्या है मेरे पास, ये a1 है, a1 इज इक्वल टू c, b1 इज इक्वल टू माइनस वन, c1 इज इक्वल टू माइनस टू, a2 इज इक्वल टू सिक्स, b2 इज इक्वल टू माइनस टू, c2 इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये a1 b1 कोफिशियंट ऑफ y, c1 कांस्टेंट टर्म, a2 कोफिशियंट ऑफ x, b2 कोफिशियंट ऑफ y, c2 कांस्टेंट, c माइनस वन माइनस टू सिक्स माइनस टू माइनस थ्री, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा है ये, तो क्या करेंगे, a1 वन अपॉन ए टू मीन सी अपॉन में सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में माइनस टू, माइनस टू अपॉन में माइनस थ्री, ये माइनस कट, ये माइनस कट, तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो क्या करेंगे, c अपॉन में सिक्स इज इक्वल टू वन बाई टू कॉमा सी अपॉन में सिक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, आया कैसे, इसको एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे और एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे, सी अपॉन में सिक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, सी अपॉन में सिक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे तो टू सी इज इक्वल टू सिक्स, तो सी कितना आ गया, सिक्स अपॉन में टू इज इक्वल टू थ्री आ गया, तो सी कितना आ गया मेरे पास, तीन आ गया, कितना आ गया, तीन आ गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां भी तीन सी इज इक्वल टू बारह, सी इज इक्वल टू बारह अपॉन में तीन, तो तीन बारह तीन से कट गया चार, तो सी इज इक्वल टू चार, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, तीन आ रही है और क्या आ रही है, चार, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, तीन दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, माइनस थ्री, यहां पर क्या दे रखा है, ट्वेल्व, यहां क्या दे रखा है, ये तो गलत हो गया इसका मतलब, तो अब क्या करें, तो तीन की वैल्यू क्या होगी, नो वैल्यू, इट हैज नो वैल्यू, क्योंकि इसमें दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आंसर इज डी, मींस नो वैल्यू ऑफ सी, नो वैल्यू ऑफ सी, तो इसका आंसर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वन पेयर ऑफ वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, एक मेरे पास एक इक्वेशन है, इसका नाम क्या है, फाइव एक्स माइन प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू, सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है, जो इसको क्या करे, कॉन्साइड करे, जब भी कॉन्साइड इक्वेशन निकालनी हो, एक इक्वेशन दे रखी हो और दूसरी इक्वेशन निकालनी हो, जो क्या करे इसके ऊपर, कॉन्साइड करे, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी कॉन्स्टेंट से, किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब देखें इसने किसने मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ टेन प्लस, ये माइनस का है, देखिए टेन प्लस प्लस दोनों, एक माइनस का एक प्लस का, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये चेक करते हैं, देखो ध्यान से, ये किसका है, माइनस के, दोनों माइनस के हैं,
ये किसका है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन ये किसका है, अभी देखिए ध्यान से, रेशो सेम निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या है, किससे मल्टीप्लाई करके है, सबको टू से करके है, किससे करके है, टू से करके देखते हैं, टू से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स, टू इंटू टू से करेंगे फाइव एक्स प्लस में सेवन वाई इज इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस टेन एक्स प्लस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू फोर, लेकिन माइनस टेन एक्स प्लस फोर्टीन वाई कहीं नहीं है, माइनस टेन एक्स ये फोर इधर दे रखा है, ये होगा, तो इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस टेन एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू फोर, साइन चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इधर, तो क्या आएगा टेन एक्स माइनस में फोर्टीन वाई इज इक्वल टू फोर आ गया, माइनस कॉमन आ गया, माइनस को यहाँ भेज देंगे तो टेन एक्स माइनस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन है, सीधा टू से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है, और मेरे पास क्या है, माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू है, सॉरी माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस टेन एक्स सेवन टू जा फोर्टीन माइनस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, तो आंसर इज डी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू थ्री, माइनस का एक्स की जगह दो रखेंगे वाई की जगह तीन रखेंगे, जो आंसर आएगा वही सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वैल्यू पुट करने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन को क्या कर देंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किससे, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे किसे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 एलिमिनेशन से, अब एलिमिनेशन से सबको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी, तो बड़ी दिक्कत आएगी, तो क्या करेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो देखिए ध्यान से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखकर चेक करेंगे कौन सा इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2 2 और y की वैल्यू -3 2 -3, तो क्या आएगा माइनस, देखो x प्लस y इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की जगह टू और वाई की जगह माइनस थ्री माइनस वन, सेम आ गया, यहाँ टू रखेंगे टू टू जा फोर टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स की जगह टू रख दिया टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये क्या आ गया फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस फाइव, दोनों सेम नहीं है तो ए आंसर नहीं है, ए इज नॉट आंसर। अब क्या करेंगे बी देखेंगे, अब किसको देखेंगे बी चेक करेंगे कौन सा कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, अब नाउ वी विल चेक बी, बी देखते हैं एक्स की जगह टू रखेंगे तो वाई की जगह माइनस थ्री, तो क्या रखें बोलो टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो टू एक्स की जगह टू रख दिया प्लस में फाइव, थ्री की जगह वाई की जगह माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो टू टू जा फोर माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो माइनस इलेवन इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब बी भी आंसर नहीं है ए भी नहीं है। सी चेक करते हैं, सी पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे टू, एक्स रख दिया टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स की जगह टू रख दिया माइनस वाई की जगह माइनस थ्री रख दिया इज इक्वल टू वन, टू टू जा फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू वन, सेवन इज इक्वल टू वन, क्या दोनों सेम है, नहीं है जी, तो सी भी नहीं है, इसका आंसर क्या है डी है, आंसर इज डी, तो ऑप्शन इज डी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह 2 रख दिया माइनस 4 माइनस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, 2 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 14, 12 प्लस 2 14 माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, तो ये सही आ गया। अब यहाँ रखेंगे 5x माइनस y माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, 5 x की जगह क्या रख दिया 2 रख दिया माइनस y की जगह माइनस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, 5 टू जा 10 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, 10 प्लस 3 13 माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन क्या है इसका डी है, वैल्यू पुट करके हमने
चेक कर लिए, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, एक्स ए के बराबर, वाई बी के बराबर, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी, एक्स की जगह ए रखेंगे और वाई की जगह बी रखेंगे, तो क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें एक्स की जगह ए रखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व कर देंगे, देन वैल्यू ऑफ ए और बी, या एक्स वैसे भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो इसको बी से बी कट एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, बाय एलिमिनेशन, बाय किससे, एलिमिनेशन से हमने सॉल्व कर दिया, एलिमिनेशन से एक्स ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं, ए बी से बी कट गया तो ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 6 आ गया, ए प्लस ए 2a, तो a इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 3, a इज इक्वल टू 3 आ गया, a कितना आ गया 3 आ गया, पुट वैल्यू ऑफ a, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख दो, हमने रख दी फर्स्ट में रख दी, और फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a की जगह 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कर, बी इज इक्वल टू 1, बी 1 ए 3, तो आंसर इज, आंसर क्या आ रहा है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, c, आंसर इज c, तो क्या आएगा 3 एंड 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अरुण के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, तो उसके पास रुपीज 1 और रुपीज 2 के कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स रुपीज 1 के कितने हैं एक्स, रुपीज 2 के वाई, देखो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं एक्स, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं वाई, तो टोटल सिक्के कितने हो गए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ कॉइन एक्स प्लस वाई हो गया, लेकिन सी हैज 50, सी हैज इज 50, उसके पास नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 50 है, नंबर ऑफ कॉइन 50 है, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, लेकिन उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है रुपीज 75, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब अमाउंट 1 रुपए के अगर एक्स कॉइन है तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 1 × x, रुपीज एक्स हो गया, वाई, वाई कितने सिक्के, वाई नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 2 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने अमाउंट होगी 2y, तो x प्लस 2y, टोटल रुपए कितने हैं 75, दो इक्वेशन आ गई, तो इनको सॉल्व कर देंगे हम, दोबारा कर लीजिए, देखिए लेट लेट नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपए के कितने सिक्के मान लिए हमने x, और नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स वो ले लिया वाई, तो टोटल सिक्के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपए के एक्स हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं वाई, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन ये ही देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, और 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो टोटल कितने अमाउंट हो जाएगा 1 × x, एक्स 1 × x और 2 × y प्लस 2 × y, कितने रुपए टोटल 75, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वन है, साइन चेंज माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट, बचा क्या y प्लस का 2y माइनस का, y प्लस का 2y माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू माइनस 25, ये माइनस से ये माइनस कट, y इज इक्वल टू 25 आ गया, अब इस y की वैल्यू 25 जो आ रही है किसमें पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट में, और फर्स्ट क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 50, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 25, x इज इक्वल टू 25, तो इसका मतलब x कितना आ गया 25, y कितना आ गया 25, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन
1 रुपीज कॉइन कितने 25 है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने 25 है, तो आंसर इज 25 25, तो कौन सा है, ऑप्शन इज डी। एंड नाउ दीज आर द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 के हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चन मिलेंगे, देखते रहिए और आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। नाउ थैंक्स फॉर टुडे।